एग्जिट पोल ने इंडिया को दी टेंशन। राउत का मोदी शाह पर गंभीर आरोप। शाह को लेकर राउत का बड़ा खुलासा। लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आए एग्जिट पोल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की टेंशन बढ़ा दी है। एग्जिट पोल में मोदी सरकार हैट्रिक लगाती नजर आ रही है। इस बीच पोल को लेकर सियासी पारा भी हाई हो चला है। कांग्रेस ने एग्जिट पोल पर सवाल किया है तो साथ ही उसके सहयोगी भी इसको लेकर सवाल करते नजर आ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने सवाल उठाते हुए निवर्तमान पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय राउत ने कहा, ये कॉरपोरेट का खेल है। अगर कल हम सत्ता में होंगे और अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम भी जो मन चाहे आंकड़ा निकाल सकते हैं। इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। बोल जोड़ करते हुए देख रहे हैं इंडिया। अब इंडिया देखिए, ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे, कैमरा 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल ओपिनियन पोल ये कॉरपोरेट खेल है। ये पैसा फेंको, तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हम भी, हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ये मटका है, समझा ना? ये हमें मालूम है, किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 उसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है, ये जो आंकड़े आते हैं ना 10-15-20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी गृहमंत्री, देश के जो आज कार्यवाहक गृहमंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते? मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते आप? धमका रहे हो? अपने हिसाब से निर्णय में फेरफार करना चाहते हो आप? यह आपकी डेमोक्रेसी है, यह आपका लोकतंत्र है। तो हमारा सबके ऊपर पूरी तरह से ध्यान है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है, इंडिया ब्लॉक। महाराष्ट्र में आंकड़े आप, मुझे मालूम नहीं आंकड़े क्या दिए आपके, हम 35+ जीतने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में हम जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे।